तो भाई लोगों का होता होगा ट्राई डे, अपना तो हर डे वेट होता है। तो भाई मोनिका, आप बताओ कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? आज तो ज्यादा हेक्टिक नहीं था, पर क्या हुआ? बहुत ही खूबसूरत जगह है, एकदम सत्तारी के पास में ही है ये। ये लोकेशन जो है मुझे बहुत पसंद आई इधर आते हुए इस रोड पे। सो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। वैसे गुड आफ्टरनून हो रखा है और आज है 2 अक्टूबर, तो हम ड्राई डे, आज गोवा में ड्राई डे है, तो वही ड्राई डे का फुल आनंद ले रहे हैं। आज हम बीच पे आए घूमने के लिए और ड्राई डे पे भाई फुल मस्ती कर रहे हैं। आज हम जैसे अपने मतलब नॉर्मल वैसे करते हैं कि जैसे आज हम गोवा घूमने आए हैं, हाँ, एज टूरिस्ट हम एंजॉय करते हुए घूम रहे हैं। आज अपना जो रेस्ट्रो है, बार है, वो बंद है। कैफे देखेंगे, अगर खोलने का मूड हुआ तो खोलेंगे, वरना यार एक दिन अपने लिए निकालना पड़ेगा, चाहिए। अगर खोला तो देखेंगे, शाम में हो सकता है 4 बजे के आसपास खोल दे, पर अभी तो फिलहाल तो मूड नहीं है भाई। फिलहाल तो खोलने का आज मन नहीं है, एक दिन होना चाहिए अपने लिए। अपना स्टाफ आज सारा गया हुआ है घूमने के लिए, तो उनको एक दिन की छुट्टी, कहीं भी घूमो मस्ती करके आओ भाई तुम, उनको एक दिन चाहिए उनको भी अपना माइंड सेट करने के लिए। चलो शुरू करते हैं ब्लॉग। अभी हम बीच से जा रहे हैं वापस और अगोंडा बीच पर आज बहुत क्राउड है भाई, इधर काफी मतलब भीड़ है बीच के हिसाब से। आज ऐसा लग रहा है जैसे कि दिसंबर में होता है ना। चलो दिखाते हैं थोड़ा आपको अगोंडा बीच रोड। बीच मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया था, तो उसे देख लेना अगर आपने मिस कर दी हो तो। जी ये देखो, पार्किंग ही पार्किंग लगी हुई है आगे तक। आज वैसे भी बार और रेस्टो वाले जो ऑप्शन है वो सबके ज़्यादातर लोगों ने बंद कर रखे हैं, कुछ ने चला रखे हैं जिनको क्या भाई लगता है कि नहीं स्टाफ को एक दिन भी छुट्टी नहीं देनी हमें, तो उन्होंने बार हटा के अपना खाली ब्रेकफास्ट रेस्टो इन सब चीज़ों के लिए चला रखे हैं उन्होंने। हमें था कि भाई नहीं यार ठीक है, अगर अभी स्टाफ को टाइम नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें, तो भाई हाँ एक आध दिन उन्हें मस्ती के लिए चाहिए, वरना डेली ना बोर हो जाता है आदमी, क्योंकि हम वो चीज़ों से निकले हुए हैं, हमने वो चीज़ें झेल रखी हैं जब हम जॉब में थे, तो इसलिए हमें पता है कि भाई यार कैसे स्टाफ को रखना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे उनसे बात करनी चाहिए, सारी चीज़ें पता है, कैसे उनको समझाना चाहिए, छुट्टी कैसे देनी चाहिए, सारी चीज़ें पता है। वो बड़े अच्छे से मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि मैं HOD था मार्केटिंग का और मेरे अंडर में 40-50 लोगों का स्टाफ था, तो पता था कि भाई कैसे उन्हें हैंडल करके रखना है। तो भाई चलो चलते हैं घर की तरफ। अभी पहले आसमान का कलर देखो कितना प्यारा हो रखा है मोनिका, एकदम ब्लू आसमान, सब कुछ फेवरेबल है। हाँ बहुत मस्त हो रखा है। हाँ बिल्कुल, बाकी सब कुछ वसूल है। हाँ और थोड़ा थोड़ा भाई मार्केट जो है अभी खुलना शुरू हो गया गोंडा का, कुछ कुछ चीज़ें अभी बंद है, कुछ कुछ ओपन हो चुकी हैं, सारी ओपन नहीं हुई है, आप ये मान के चलो 30% अभी भी बंद है, 30 से 40%। तो भाई लोगों का होता होगा ड्राई डे, अपना तो हर डे वेट होता है, स्टॉक फुल है पहले से ही, इधर भी है। तो भाई ड्राई डे हमारे लिए नहीं है, अपना घर पर पहले से ही पूरा स्टॉक फुल है। सो गुड मॉर्निंग, अगली सुबह है जी, आज 3 अक्टूबर हो गई और कल था ड्राई डे, तो कल अपन पूरे छुट्टी वाले मूड में थे, बीच ऊच पे घूम के आए, एंड ड्राई डे था बट अपन ने उसको वेट डे बना रखा था, घर पे ही थे, घर पे ही अपना एंजॉय चल रहा था और जो काम थे छोटे मोटे वो काम करके आए। बाकी फिलहाल भाई आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा लंबा, आज इधर देखेगी मोनिका और मैं अभी निकल रहा हूँ सत्तारी साइड, तो सत्तारी जाना है, सत्तारी कुछ गाड़ी के काम है तो उनके लिए जा रहा हूँ। चलते हैं देखते हैं, और भाई बीच में रास्ते में आपको जो अच्छा अच्छा मिलेगा वो दिखाते चलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:45, मतलब 6:30 बजे मैं घर से निकल गया हूँ आज सुबह, तो जल्दी जाना है, जल्दी आना है, पहले देखते हैं गाड़ी में टाइम कितना लगेगा और उसके बाद में फिर बाकी आगे का भाई टाइम वहीं पे जाके पता चलेगा वापस किस टाइम तक आएंगे। चलते हैं भाई। ये देखो जी सनराइज हो रहा है सुबह सुबह, थोड़ी धुंध है ऊपर पहाड़ों पे,
वहीं से सूरज हल्का सा दिख रहा है। तो ये एरिया देखो सामने कितने बादल हैं। ये है एकदम मोले के पास का एरिया, पूरे बादल हैं और इधर बारिश भी हुई है। रात तो उतना बारिश पड़ी है पीछे की तरफ और बहुत ही ठंडा एरिया है सुबह में। ये देखो जी इधर का सीन बहुत बढ़िया है, मतलब नज़ारे बहुत मस्त हैं, पूरा ग्रासलैंड टाइप दिख रहा है और सुबह सुबह बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा है। पूरा मतलब पहाड़ी एरिया है ये, अभी बिचोलिम से निकल गए हैं शायद, बिचोलिम से आगे आ गया मैं, सत्तारी की तरफ जा रहा हूँ अभी। और ये सुबह सुबह का ऐसा माहौल है, अभी ट्रैफिक कम मिल रहा है, पीछे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, अभी ट्रैफिक कम हो गया है यहाँ से। और सामने पहाड़ों के व्यू भी बड़े अच्छे हैं यहाँ से भी। ये देखो सामने पूरे पहाड़ ना फोक फोक सा हो रखा है अभी सामने वाले पहाड़ों में भी। चल रही है इसकी चेकिंग भाई, एक स्मोकिंग सेंसर का प्रॉब्लम आ रहा है और एक सेकेंड इंजेक्टर का टिक टिक वाला साउंड है, बहुत टाइम से है, चेक करते हैं एक बार और चेक कर रहे हैं। तो भाई गाड़ी के काम ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, अभी गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं पहले। तो भाई अभी हो गई स्टार्ट गाड़ी अपनी और जो साउंड था जो दिक्कत थी ना अभी वो ख़त्म है, नॉकिंग साउंड इसमें है वो रहेगा, और मैं बोला जी वो नहीं ख़त्म होना, नॉकिंग साउंड रहेगा, बाकी और छोटी मोटी दिक्कतें थी वो सारी करा दी। और ये मैं आया था भाई साहब बरेटो सर्विस स्टेशन पड़ता है सत्तारी में जी, तो सत्तारी इतनी दूर आया था मैं आज अपनी गाड़ी दिखाने। बाकी जी ये डोर हैंडल भी मैंने यहीं पर ऑर्डर कर दिया था तो ये लगवाना है क्योंकि ये है कमर्शियल का सर्विस सेंटर, और ये क्लैडिंग वगैरह निकली हुई थी इसकी, ये सब फिट करवा दी। तो ऑलमोस्ट जो काम मुझे जो मतलब सकते वो सारे हो गए। ये है भाई बरेटो सर्विस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और ये पड़ता है सत्तारी में, सारा कमर्शियल व्हीकल्स का काम है इनका, बट बीच बीच में कभी कभी ऐसे रिक्वेस्ट पे ये ना इधर मतलब पैसेंजर गाड़ी का भी देख लेते हैं। तो मेन मुझे इंजेक्टर दिखाना था, जो साउंड आ रहा था इंजेक्टर का मुझे वो परेशान कर रहा था, उसकी वजह से पिकअप की प्रॉब्लम और हो रही थी ज़्यादा। तो इधर की तरफ ये पड़ता है सत्तारी में, आप डालोगे तो आराम से आपको मिल जाएगा भाई साहब ये। चलो अभी निकलते हैं बस यहाँ से, ऑलमोस्ट सारे काम डन, चलते हैं। तो भाई गाड़ी लेकर निकल गए थे मगर ये देखो क्या अलग लेक है, पूरी लेक टाइप है, यहाँ पूरा पानी पानी भरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत जगह है एकदम, सत्तारी के पास में ही है ये पूरा इधर की तरफ। थोड़ा सा इसका आनंद लेते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से एक एक बीड़ी पी के। रोड तो बड़ा सीनिक है और अभी ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हो गई, इधर गर्मी है थोड़ी और हरियाली बहुत है, मतलब खूब इस मतलब एक्चुअल ग्रीनरी चाहते हो ना तो भाई साहब बहुत मस्त जगह है इधर घूमने आने के लिए। तो ये लोकेशन जो है मुझे बहुत पसंद आई इधर आते हुए इस रोड पे, भाई साहब अल्टीमेट व्यू है यहाँ पे, आपको मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी और ग्रास लैंड जैसा लगेगा पूरा, और बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है और यहाँ से सामने का व्यू देखोगे ना वो वाओ, छोटे छोटे पहाड़ हिल्स सब कुछ आपको दिख रहा है दूर तक। ये देखो भाई सत्तारी साइड के जो व्यू हैं वो अलग ही हैं, बीचेस से हट के ये कुछ अलग है, जो बीचेस पे आपको नहीं मिलने वाला वो इधर मिलेगा जैसे हिल्स व्यू। तो अभी लगभग 5:30 बजे मैं आ गया था वापस, अभी पहुंच चुके हैं अपने रेस्टो पे, टाइम हो रहा है रात के 8 बज गए और आज पूरा दिन मोनिका थी इधर, मोनिका नहीं देखा, शाम के टाइम में काफ़ी भीड़ थी जब मैं आया था उस टाइम पे, मोनिका लगी पड़ी थी चीज़ों में और मेरी हालत ख़राब थी तो मैं रेस्ट करने चला गया, थोड़ी देर बैठा आराम किया और अब फिर लग गया इधर ही भाई। तो भाई मोनिका आप बताओ कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? आज तो ज़्यादा हेक्टिक नहीं था पर क्या हुआ जैसे सुबह से हल्का था, मतलब ऐसे एक दो इक्का दुक्का चल रहे थे
फिर सडनली सारे टेबल एक साथ फुल हो गए, तो फिर थोड़ा लगता है कि और वो कुछ एक ही साथ आते हैं और हाँ, आते भी ऐसे टाइम पे जब क्या लंच का टाइम खत्म हो रहा होता है, हम रिलैक्स हो गए थे कि अब तो नहीं होगा। पर चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। एंड बाकी जी आज का दिन रहा बड़ा हेक्टिक मेरा, इधर भी मोनिका का सामने हेक्टिक था, जब मैं आया था तो लगी हुई थी बेचारी अकेली, तो फिर खैर मुझे भी आज बहुत थकान हो गई तो मैंने भी आराम किया थोड़ी देर। एंड अभी उम्मीद करते हैं जी वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, आज नींद आ रही है, अब तेज आँखों में दर्द है, तो आज का वीडियो जो है मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। तो जी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।